हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टुडे वी आर गोइंग टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स फॉर चैप्टर नंबर एट इन हाउस लाइक दिस सो लेट्स एस स्टार्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हाउसेस इन हिली एरियाज़ आर मेड ऑफ डैश पहाड़ी इलाकों में जो घर होते हैं वो किसके बने होते हैं ऑप्शनस आर ए स्टैंड ऑस वुड बी बाम्बू सी आइस एंड ही नन ऑफ दिस तो बेस्ट करेक्ट ऑप्शन इज स्टोन और वुड़ पत्थर और वुड़ के बने हुए होते हैं इट ट्रेज है ऑल ओवर दिस प्लेस कौन सा प्लेस है जहाँ पे बहुत बारिश होती है झारखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र या आसाम यस yes, आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ के घर बाम्बू से बनाए होते हैं और ज़मीन से जो है वो दस से बारह फीट ऊपर होते हैं इसीलिए क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है थर्ड वन इज़ इग्लूस आर मेडअप ऑफ इग्लूस किसके बने हुए होते हैं ऑप्शन आर ए स्नो बी ब्रिक्स सी मडन स्ट्रॉ एंड डी वुड सो इग्लू इग्लू जो है वो बना होता है बर्फ से सो इट इज मेड अप ऑफ स्नो फोर्थ वन वी कैन सी मैनी डैश ऑन द डल लेक इन कश्मीर डल लेक के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी क्या मिलेगा इग्लू देखने के लिए मिलेगा बी हल्ट सी टेंट्स एंड दी हाउस बोट्स तो आंसर करेक्ट आंसर इज दी हाउस बोट कश्मीर में डल लेक के ऊपर आपको बहुत सारे हाउस बोट देखने के लिए मिलेंगे डैश आर यूज टू मेक अ परमानेंट हाउस परमानेंट हाउस मतलब पक्का हाउस मतलब जिस जिन तरीके के घरों में हम अभी रह रहे हैं डैश आर यूज टू मेक परमानेंट हाउस ए ब्रिक मतलब ईट बी स्टोन मतलब पत्थर सी सीमेंट एंड ही ऑल ऑफ़ दिस सो ऑल ऑफ़ दिस थिंग्स आर यूज टू मेक अ पक्का हाउस नाउ सेकेंड वन इज ट्रू एंड फॉल्स फर्स्ट वन बर्ड्स लिव इन हाउस इज मेड बाई ह्यूमन्स क्या बर्ड्स ह्यूमन्स के बनाए हुए घरों में रहती है नो no, वो लोग अपना नेस्ट खुद बनाते हैं सेकेंड वन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स आर फाउंड इन बिग सिटीज लाइक मुंबई दिल्ली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो है बड़े बड़े शहरों में मिलती है जैसे कि मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में ऑब्वियसली दिस वन इज ट्रू थर्ड वन हाउसेस इन मनाली एंड आसाम हैव स्लोपिंग रूफ्स मतलब घर और आसाम के घरों में क्या समानता थी रूफ्स में कि उनके रूफ जो है उनकी जो छतें हैं वो ढलान वाली होती हैं मतलब स्लोपिंग रूफ़ होती हैं देन हाउस बोट्स आर एंड शिकारा आर

Thank you and have a nice day.